इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल वाटरमेलन मिल्कशेक, जो बहुत ही आसानी से हम घर पर ही बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं हमें होटल या रेस्टोरेंट में जाने की, शेक पीने की। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं ये वाटरमेलन मिल्कशेक। वाटरमेलन जो है इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसके बीज जो है वो हटा लिए है और ये अच्छे से साफ करके ये वाटरमेलन लिया है मैंने। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन मिल्कशेक। तो सबसे पहले हमें लेना है मिक्सी का बड़ा वाला जार, उसमें हमने जो वाटरमेलन लिया है वो ऐड कर देंगे। पूरा हमें इसमें ये वाटरमेलन ऐड कर देना है। इसी के साथ हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो 5 से 6 मैंने यहाँ पर आइस क्यूब ऐड किए है। 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। चीनी आप वाटरमेलन कितना मीठा है उस पर डिपेंड करता है, तो जितना मीठा आपका वाटरमेलन है उतनी हमें चीनी जो है वो कम लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून चीनी ली है, तो ये पूरी चीनी हमें ऐड कर देनी है। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच रोज सिरप ऐड कर देना है। हमें लगभग 4 टेबलस्पून वैनिला आइसक्रीम इसमें ऐड करनी है। मैंने यहाँ पर वैनिला आइसक्रीम ली है, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ले सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून हमें आइसक्रीम इसमें यूज करनी है। तो 4 टेबलस्पून में वैनिला आइसक्रीम यूज कर रही हूँ, इसके जगह पर आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यूज कर सकते है। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून वैनिला आइसक्रीम ऐड कर दी है। इसी के साथ हम इसमें गाय का मैंने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है, ये दूध मैंने गरम करके ठंडा कर लिया है और मलाई के साथ लिया है। तो ये 1 ग्लास दूध हम इसमें ऐड करेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छी थिक ऐसी ये हमारी मिल्कशेक बनकर रेडी होगी। तो ये सब हमें डालकर ये अच्छे से मिक्सी पर टर्न कर लेना है 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने ये वाटरमेलन जूस जो है मिक्सी पर टर्न कर लिया है। बहुत ही बढ़िया ऐसा फ्रॉदी सा हमारा ये वाटरमेलन मिल्कशेक बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया ऐसा। अब हम ये वाटरमेलन मिल्कशेक जो है इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सर्विंग के लिए ये 2 ग्लास लिए हैं। इन ग्लास में हमें इस तरह से रोज सिरप जो है इससे ये ग्लास जो है वो अच्छे से गार्निश कर लेने हैं। ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें या फिर स्किप भी कर सकते है। तो कुछ इस तरह से हमें ये ग्लास जो है वो रोज सिरप से गार्निश कर लेने हैं। तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये देखिए, रैंडमली हमें बस ये स्पून में रोज सिरप लेके इस तरह से गोल गोल घुमा देना है और ये देखिए इस तरह से हमें ये ग्लास रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ग्लासेस जो है वो रेडी कर लिए है। अब हम इन्हीं ग्लासों में जो है वो 1-1 स्कूप जो है वैनिला आइसक्रीम ऐड करेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है ये वाटरमेलन मिल्कशेक में। ये देखिए इस तरह से हमें ये 1-1 स्कूप आइसक्रीम इसमें ऐड करनी है। इसके ऊपर से हमें ये जो सब्जा बीज होते हैं ये भिगोए, 10 से 15 मिनट पहले ही भिगोए हुए सब्जा बीज है। तो 10 से 15 मिनट पहले हमें ये सब्जा बीज जो है वो भिगोने के लिए रख देने हैं। तो ये 1-1 टीस्पून हमें इसमें ऐड कर देना है और ऊपर से हमने जो वाटरमेलन जूस बना लिया है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसा हमारा ये वाटरमेलन मिल्कशेक बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये वाटरमेलन मिल्कशेक जो है वो अच्छे से गार्निश कर लिया है। इसके ऊपर से हमने जो रोज सिरप लिया है उसे थोड़ा सा हमें अच्छे से गार्निश कर देना है। तो 1 टीस्पून हमें ये रोज सिरप लेना है और इस तरह से ये दोनों ग्लास पर हमें अच्छे से गार्निश कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा वाटरमेलन मिल्कशेक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।